वाचिंग सोना वर्मा विद अनदर वीडियो एंड आज की वीडियो में मैं करने वाली हूं लिविंग ऑन 10 रुपीस फॉर 24 आवर्स। सो ये चैलेंज बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है और हर बड़ी यूट्यूबर्स इस पे वीडियो बना रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। चैलेंज का रूल ये है कि आपको 10 रुपीस दिए जाएंगे और आपको पूरे दिन में 10 रुपीस में गुजारा करना है। मतलब आपको लंच डिनर ब्रेकफास्ट घर से कुछ भी नहीं खाना है, आपको जो भी खाना है बाहर से खाना है और 10 रुपीस का ही बजट है आपके पास। सो ये बहुत ही ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैलेंज होने वाला है और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे ये करूंगी, बट ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ब्रेकफास्ट लंच और डिनर 10 रुपीस में कवर कर लूं। तो सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइस। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और गाइस मुझे कल फीवर था बहुत ज्यादा, बट अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। दैट्स व्हाई मेरा फेस थोड़ा डल दिख रहा है और आज मेरे फेस को इग्नोर करना क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वीडियो शूट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट था बिकॉज ये टॉपिक लास्ट 2 मंथ से आई थिंक ट्रेंड में चल रही है और मैं ऑलरेडी लेट हूँ और मैं और लेट नहीं करना चाहती थी। दैट्स व्हाई मेरे लिए ये वीडियो शूट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ। फीवर हो या कुछ भी हो, आई डोंट केयर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बट आई मेक श्योर आपको इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। ये बहुत क्रेजी सा चैलेंज है, सो मैं भी एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ। आई डोंट नो मैं कैसे करूंगी, बट ठीक है। और गाइस आपके कुछ क्वेश्चंस हैं गिव अवे को लेके, सो वीडियो के एंड में मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर भी करूंगी और वीडियो के एंड में मैं डिनर के टाइम, पता नहीं मैं डिनर में क्या करने वाली हूँ, बट डिनर के टाइम मैं आपके साथ अपने पूरे डे का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही निकल पड़े हम ब्रेकफास्ट की तलाश करने। कुछ दूर गए तो फिर देखा कुछ नहीं मिल पा रहा था। सो गाइस सुबह के 10 बज रहे और मैं आ गई हूँ साईनाथ मंदिर में। और सो हमारे इस चैलेंज की स्टार्टिंग हम यहाँ से कर रहे हैं और यहाँ पे प्रसाद मिलता है बहुत टेस्टी सा, सो हम उससे खाएंगे और उससे हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। सो ये हमारे सिटी का सबसे फेमस मंदिर है, सो मैं यहाँ से अपने चैलेंज की स्टार्टिंग कर रही हूँ। सो गाइस मैंने सोचा सबसे पहले चलो भगवान जी को जय कर लो, उनके दर्शन कर लो, वरना सब बोलेंगे कैसी लालची लड़की है, दिल की प्रसाद लेने आ जा रही है। इसलिए मैं थुमक थुमक के जा रही हूँ भगवान जी के पास उनको जय करने और फिर वहाँ से टेस्टी टेस्टी प्रसाद उठा के लाऊंगी और मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। खुशी देखो गाइस मेरी, मेरे फेस की खुशी देखो जरा, प्रसाद मिलने की, फाइनली प्रसाद मिल गया और अब मेरे से बस वेट नहीं हो रहा, मुझे बस जल्दी से खा लेना है इन प्रसाद को। सो गाइस अब मैं खा रही हूँ फर्स्ट बाइट, बहुत टेस्टी था गाइस, सीरियसली प्रसाद वैसे भी बहुत टेस्टी होते हैं बट ये ना बहुत टेस्टी था। वो कहते हैं ना जब भूख लगती है तो कुछ भी अच्छा लगता है, बिल्कुल वही वाली हाल थी। खुशी देखो आप गाइस मेरे फेस की, इतने आराम से डांस कर करके तो मैं घर पे भी नहीं खाती हूँ। वाकई प्रसाद बहुत टेस्टी था और फिर प्रसाद खाने के बाद अब मैं बच्चों की तरह नल पे जाके पानी पी रही थी। सो गाइस मेरे इस चैलेंज की स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे से हुई है, मैंने बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया, अब मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगी है। सो 2 बजे तक तो एकदम मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। हमने सोचा गाइस कि हम सिंपली ब्रेकफास्ट लंच और डिनर कर लेंगे तो आपको मजा कैसे आएगा, तो क्यों ना खुरापात ऐड किया जाए। तो हम सोचे कि खोआ मंडी में चलते हैं, वहाँ पे फ्री का वो लोग टेस्ट कराते हैं। सो वहाँ पे जाके मैंने हर स्टॉल पे घूम के मैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने अच्छे से खा लिया था, जनता माफ नहीं करेगी। बट लास्ट वाली स्टॉल पे हमने लास्ट में 1 kg खरीदा था बट उसमें से मैंने थोड़ा भी नहीं लिया था, मैंने जो फ्री के इकट्ठे किए थे मैं उसी को खाई थी। गाइस मेरे पीछे जो दादी आ रही है आप उनका रिएक्शन देखना, इतना खतरनाक वाला रिएक्शन मुझे देख गई है। सो गाइस देखा आपने दादी का खतरनाक वाला रिएक्शन, अभी देखना ये जो आगे दादाजी आ रहे हैं इनका रिएक्शन। क्यों गाइस मजा आया ना दादा और दादी का रिएक्शन देख के। सो फाइनली मैं शॉप पे पहुंच गई और ये अंकल जी तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं सोच रही थी अंकल हटो, आप अकेले अकेले खाओगे, मुझे भी खाना है, मैं भी लाइन में खड़ी हूँ यार।
सो गाइस मैंने अंकल जी से टेस्ट करने के बहाने फ्री में लिया, खाई और निकल ली। अब मैं जाऊंगी दूसरे शॉप पे और देखो कितना फुदक फुदक के मैं दूसरे शॉप पे जा रही हूँ। सो गाइस मैं ऐसे ही करते करते दूसरे तीसरे चौथे शॉप पे गई। ये लास्ट शॉप था, यहाँ से हमने खरीदा भी था लास्ट में। सो गाइस फिर से मैंने टेस्ट करने के बहाने भैया से थोड़ा सा खोआ मांगा, भैया ने दिया। और फिर भैया यहाँ पे पूछ रहे थे आप लोग रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो, मैंने बोला बस ऐसे ही हमारा मन कर रहा है, मैंने उनको बताया नहीं। गाइस देखो मैंने इतना सारा खोआ इकट्ठा कर लिया। ये तो टट्टी है। अब मैं ये सारे खोए को खाऊंगी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सो गाइस शाम हो चुके हैं, 4 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ कुछ हल्का फुल्का सा कुछ खरीदने जो मैं इवनिंग में स्नैक्स में खा सकूँ। और मेरे 10 रुपए तो पूरे वैसे के वैसे ही बचे हुए हैं, तो देखते हैं क्या मिल जाता है सस्ते में, तो इफ मिल जाता है तो खरीदेंगे, अदरवाइज मैं कुछ बिस्किट वगैरह ले लूंगी जिससे मेरा इवनिंग का स्नैक्स हो जाएगा। जहाँ पे 2-2 रुपए के समोसे मिलते हैं, तो 5 रुपीज में मुझे 2 समोसे मिल जाएंगे, तो मेरा इवनिंग का स्नैक्स हो जाएगा। तो मेरे समोसे अभी बन रहे हैं, तो देखो मेरे 10 रुपीज वैसे के वैसे बचे हुए हैं। अभी तक इवनिंग हो गई और मैंने इसमें से 1 रुपए भी खर्च नहीं किया। Oh my God! Wow! और अब मैं 5 रुपीज के समोसे लूंगी और फिर हम डिनर में 5 रुपीज में क्या खाएंगे वो बाद में देखते हैं, पर अभी मैं इसमें से 5 रुपीज का समोसा खरीदने वाली हूँ और मुझे 5 रुपीज में 2 समोसे मिल रहे हैं। तो गाइस फाइनली मुझे 5 रुपीज में 2 समोसे मिल गए, तो ये कितने होते हैं प्यारे से समोसे। सो गाइस शाम के 6:30 बज रहे हैं और रात होने वाली है, तो अब मैं घर जा रही हूँ। समोसे भी मैंने खा लिए, समोसे जितने क्यूट थे उससे कहीं ज्यादा टेस्टी थे। तो अगर आप गाजीपुर के हो तो एक बार ट्राई जरूर करना। गर्ल्स कॉलेज के बाहर वो अंकल की शॉप है समोसे वाली और 2 रुपीज में समोसे मिलते हैं गाइस, 2 रुपीज में। मेरा मन कर रहा है और खाने का बट मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। आज 5 रुपीज का ही बजट था। सो गाइस पूरा अंधेरा हो चुका है और अब मैं घर जा रही हूँ और मैंने सोचा है कि मेरे पास जस्ट 5 रुपीज बचे हैं, तो मैं मैगी खरीद रही हूँ और मैं वही मैगी बना के बॉइल करके डिनर में उसको खा लूंगी। और बिकॉज मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं डिनर में क्या खाऊं, तो मैं मैगी लेने वाली हूँ। तो गाइस मैं 5 रुपए भी अब जाने वाली हूँ। और घर आने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर मैंने अपना डिनर प्रिपेयर किया और डिनर में मैंने मैगी रखा है बिकॉज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि 5 रुपीज में मैं डिनर में क्या करूँ। सो गाइस मेरी गर्मा गर्म मैगी रेडी है और आप देख सकते हैं मैंने इसको जस्ट अभी बॉईल किया है, इसमें कुछ भी वेजिटेबल्स मिक्स नहीं किए। मैं वेजिटेबल्स मिक्स करती तो वो चीटिंग होता और चैलेंज का रूल है कि घर से कुछ भी नहीं खा सकते हैं, मतलब घर से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हैं और जस्ट 10 रुपीज में ही 24 आवर्स हमको स्पेंड करना है। तो मैंने मैगी खरीदी थी और मैंने मैगी को सिंपली बॉईल किया, कुछ कोई वेजिटेबल्स ऐड नहीं किए हैं इसमें। सो गाइज ये है मेरा डिनर और मैं इसको खाऊंगी अभी, ये बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए।
सो गाइस मैं आपको मेरे पूरे डे का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम आउटडोर शूट किया है। गाजीपुर में आउटडोर शूट करना बहुत ही बड़ा टास्क है। तो सब लोग मोड़ मोड़ के देखते हैं और घूर घूर के देखते हैं, लाइक खुद को एम्बैरेस फील होता है। हमने कैसे कैसे आज शूट कंप्लीट किया, अपना ये टास्क, ये चैलेंज हमने कंप्लीट किया, वो हम ही जानते हैं। मुझे ओवरऑल मुझे बहुत मजा आया। सो गाइस ये थी 10 रुपीज चैलेंज जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रही है। मैगी भी ठंडी होगी, मैं इसको खा लेती हूँ। जब भूख लगती है ना तो सब कुछ टेस्टी लगता है, ये मुझे इस बात पे बिलीव हो गया है। आज सीरियसली मुझे बहुत भूख लगी है, बट मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरा ये चैलेंज अच्छे से हो गया। और गाइस गिव अवे को लेके आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। गाइस मेरे से इंस्टाग्राम पे डीएम करके कुछ लोगों ने पूछा था कि मैं गिव अवे अलग से वीडियो अपलोड करूंगी विनर्स का, या इंस्टा पे स्टोरी में अनाउंस करूंगी। सो गाइस मैं गिव अवे विनर स्टोरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे खुद को अनाउंस करूंगी। सो आप 5 फरवरी को मेरी स्टोरी देख लेना, और जो भी विनर होगा मैं उसको पर्सनली डीएम भी करूंगी उनका एड्रेस वगैरह लेने के लिए। और एक बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपका, गिव अवे विनर्स रैंडमली सेलेक्ट हो रहे हैं या पॉइंट्स के बेसिस पे? सो गाइस पॉइंट्स भी मैं देखूंगी और रैंडमली सेलेक्ट करूंगी। और वैसे मैं आपको बता दूं, इस गिव अवे में ना तो मेरी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, इन लोगों में से किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ या वो मुझे पर्सनली जानते हैं, उन लोगों ने इस गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है। मैंने पहले ही मना कर दिया था सबको। इस गिव अवे में सिर्फ उन्हीं लोगों ने पार्टिसिपेट किया है जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, मतलब कि जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे स्ट्रेंजर्स, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। सो ऑब्वियस इफ आप ऐसा सोचते हो कि मैम जो मेरे फ्रेंड्स हैं और फैमिली है मैं उन्हीं लोग को विनर बनाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली में से किसी ने भी पार्टिसिपेट किया नहीं है। जो भी विनर बनेगा रैंडमली बनेगा और मैं उसके पॉइंट्स भी देखूंगी। और गाइस ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी जल्दी से जाके फॉलो कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तिल देन बाय।